Hello friends, I am Manoj Prasad from my channel Amazing Prasad. Today topic is 5's. 5's nothing but the 5 series of years, which is totally Japanese concept. It allow us how to our premises, company or area should be clean and same time our efficiency should be increase means agar hum ya 5 years ko karte hain to hamara jo organization hai, company hai, jo work area hai, woh bahut hi क्लीन और स्टैंडर्डाइज हो जाता है. और 5 years यह जापानीज कंसेप्ट है, वह जापान लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कंपनी की प्रोडक्टिविटी, कंपनी की क्लीननेस बढ़ाने के लिए यूज किए थे. तो हम देखते हैं कि वो 5 years जापानीज टर्म जो 5 years है वन बाय वन क्या है. लेट स्टार्ट. सेरी, फर्स्ट वन सेरी, फर्स्ट यस सेरी, सेकंड यस सीटॉन, थर्ड यस सीसो, फोर्थ यस सिकेत्सु, फिफ्थ यस शित्सुके. ये जापानीज टर्म है. अगर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो सेरी मींस ऑर्गेनाइजेशन और सॉर्ट आउट, सीटोन मींस टिडीनेस और सिस्टमैटिक, सीसो मींस क्लीनिंग और स्वीप, सिकेत्सु मींस स्टैंडर्डाइजेशन एंड शित्सुके मींस डिसिप्लिन और नथिंग बट अ सेल्फ डिसिप्लिन. This is the 5S, which is nothing but Japanese term, Japanese concept, Japanese language, and we also see the English equivalent meaning. अगर हमें 5S के बारे में कुछ थोड़ा सा बोलना है तो English में ही हम ट्राई करते हैं, इंग्लिश में ही देखते हैं. इट इज़ द पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव अप्रोच टू इम्प्रूव वर्क इन्वायरमेंट एंड टोटल क्वालिटी. इट बिकम बेस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. 5 years इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग नाउअडेज. 5 years in organization growing very rapid fast because it will direct affect our production. So let's see first yes Seri in detail mein dekhte hain ki Seri kya hai. So Seri first yes, this is take out unnecessary items and throw them away. मतलब जो भी unnecessary चीज़ है हमारे जो workplace की जगह पे एरिया पे, अगर जो भी अननेसेसरी चीज़ है जो हमें नहीं लग रहा है उसको हम बाहर वहाँ से हटा दें और उसे रिजेक्शन एरिया में या रेड टैग लगा के दूसरी जगह रख देवे. जो लगने वाली चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है, वही अपने पास रखे. यह मतलब सेरी का मीनिंग है सॉर्ट आउट, इक्वेलेंट मीनिंग सॉर्ट आउट. सेकंड यस है सीटॉन, वेरी सीटॉन इज सेकंड यस. Arrange necessary items, arrange necessary in the properly order so that they can pick up easily for utilization. जो भी अभी तो हम sort out कर लिए, जो necessary item था लगने वाला वो अपने पास रखे, unnecessary को red tag लगा के red area में भेज दिए. अब जो second S है उसमें जो necessary item है उसको इस तरह arrange कर देना है कि हमें pick up करने के लिए assess time जो है वह हमें जीरो हो जाए, हम
जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो हम विथ इन सेकंड में हम वो इंस्ट्रूमेंट ले सके, इसलिए उसे प्रॉपर जगह पे प्रॉपर वे में रखना है। थर्ड यस नथिंग बट द सीसो। सीसो के बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज सीसो। सीसो इज द इक्वेलेंट नथिंग बट द, अगर इंग्लिश इक्वेलेंट टर्म देखें तो क्लीनिंग और स्वीपिंग, क्लीनिंग और स्वीपिंग सीसो। सीसो के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, व्हाट इज सीसो। क्लीन अवर वर्क प्लेस कंप्लीटली सो दैट देयर इज नो डस्ट एनी वेयर, मीन्स जो भी हमारा वर्क प्लेस है या ऑर्गेनाइजेशन उसको क्लीन करना है, क्लीन बोलते हैं ना, क्लीनिंग विथ मीनिंग, उस तरह से हमें क्लीन करना है, सो दैट अवर वर्क प्लेस शुड बी ग्लो और शाइन। और वो भी क्लीनिंग करना है तो कुछ ढंग से करना है, जैसे कि अगर ऑयल लीक हो रहा है, हम क्लीन कर रहे हैं, ऑयल लीक हो रहा है, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाई ऑयल इज लीकिंग, देन इफ वी कॉन्ट सॉल्व दैट वन देन वी पुट अ रेड टैग फॉर द मेंटेनेंस पर्पज। नाउ सी फोर्थ यस सिकेत्सु, इक्वेलेंट टर्म इज स्टैंडर्डाइजेशन। इसको अगर दिस वन मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाउसकीपिंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाउसकीपिंग मींस हमें जो भी स्टैंडर्डाइज करना है, जो भी हम गेजेस या जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे उसके ऊपर लेबलिंग करना, कलर कोडिंग करना, सो दैट देखने में तो वो हमें आइडेंटिफाई आसानी से होना चाहिए, इस तरह से उसको करना है, बनाना है। एंड लास्ट वन फाइव ईयर्स सिकेत्सु मीन्स इक्वालेंट, अगर जापानी इंग्लिश टर्म देखें तो डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, एंड ट्रेन पीपल टू फॉलो गुड हाउसकीपिंग डिसिप्लिन इंडिपेंडेंटली एंड वॉलेंटरी। मतलब पीपल को ट्रेन करना है कि वो हाउसकीपिंग फॉलो करें और लोगों को वो भी बताएं, ताकि जो भी हमने अब तक फोर्थ ईयर्स तक हम अभी तक करते आए हैं उससे हम फर्स्ट लेवल पे ना चला जाए, इसीलिए हमें यह हर एक स्टेप करते जाना है और उसको फॉलो करना है, ताकि जिस लेवल पे हम हैं उसी लेवल को मेंटेन करके रख सकें। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं किए दोस्तों तो हम फिर से स्टार्टिंग में आ जाएंगे, स्टार्टिंग पे सेरी फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे, इसलिए उसे मेंटेन करना। लास्ट वन नथिंग बट द सिकेत्सु, दैट इज मेंटेन और सस्टेन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट वन अगर कर पाए तो हम सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम फिर से फर्स्ट ईयर पे चले जाएंगे। इस तरह यह फाइव ईयर्स का कंसेप्ट था। यह कंसेप्ट कैसा लगा आपको, यह लाइक द्वारा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उस पर सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करें, ताकि हम इस तरह के नए वीडियो अपलोड जब भी अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो देने के लिए। आज का टॉपिक मेरे उम्मीद से आपको बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।